हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का विषय है हमारा दूसरा पाठ आम का मौसम। तो कभी कभी हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, कुछ कामों को हम उनके छोटा समझ लेते हैं। कई बार कोई काम जब वो करते हैं जो हमें पसंद नहीं होता, तो हम ये समझ लेते हैं कि वो छोटा काम कर रहे हैं, उसके लिए स्वयं को शर्मिंदा अनुभव करते हैं। मतलब हमें अपने आप पे शर्म आती है कि हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा काम कर रहे हैं, और हमें उनसे घृणा हो जाती है। और भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं, कि उन कामों के पीछे उनका लंबा अनुभव। मतलब तभी तो कहते हैं ना कि बाल जो होते हैं ऐसे सफेद नहीं कि ये होते। दूरदर्शिता मतलब उनका जो नजरिया है दूर की सोचने का वो, और जल कल्याण की भावना छिपी होती है, लोगों के कल्याण की जो भावना होती है उन छोटे कामों के पीछे छुपी होती है। तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं वो छोटा है या घृणास्पद है। यशपाल जी की यह रचना एक ऐसे ही अनुभवी व्यक्ति की दूरदर्शिता। तो इस चैप्टर के राइटर कौन है? यशपाल जी। ऐसे ही अनुभवी व्यक्ति की दूरदर्शिता व सूझबूझ की कहानी है। यह कहानी बड़े सहज व सरल ढंग से पेड़ उगाने की उपयोगिता पर प्रकाश डालती है। आम का मौसम, आम के पेड़ों के बारे में बोला गया है, और हमें साथ में ये भी बताया गया है कि आम का मौसम कब आता है, गर्मियों में। ठीक है, तो उसके बाद पेड़ उगाने की उपयोगिता पर भी प्रकाश डाला है। तो आइए पढ़ते हैं। किसी गांव में एक बड़ा ही भला सच्चा आदमी था। सारी जिंदगी उसने खरी कमाई की, मतलब कभी भी उसने लोगों की कमाई की नहीं सोची, बल्कि खुद की, अपनी स्वयं की कमाई की, और हमेशा अच्छे काम किए। उसके कितने पुत्र थे? 4, और घर की खेती थी, उनकी गाय भैंसी भी रखी हुई थी। परिवार के जो सब लोग थे वो एक साथ रहते थे। जब वह आदमी बूढ़ा हुआ तब उसके बेटे काम संभालने लायक हो गए थे। उन्होंने कहा कि पिताजी, आप घर पर आराम से बैठिए और ईश्वर का नाम जपो। तो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसने बेटों की बात मान ली और सारा उन कामकाज जो था अपना उन बेटों को सौंप दिया और निश्चिंत हो गया। तो सारे गांव में उस जो बूढ़े व्यक्ति का आदर सम्मान बहुत था। सब लोग उसे आदर से क्या बोलते थे? दादा। धीरे धीरे काफ़ी दिन निकल गए, आम का मौसम आया, पर ये क्या, दादा को देखो, ये देखो इस पिक्चर में क्या कर रहे हैं वो, लोगों की जूठन गुठलियाँ जो हैं फेंकी हुई हैं जगह जगह पे, वो उठा रहे हैं। तो इस प्रकार से सारे गांव में लोग, वो जो दादा थे वो चक्कर काटते और वहाँ पे जो गुठलियाँ इधर उधर पड़ी देखते तो उन्हें उठा लेते और गाँव के बाहर जाकर ज़मीन में गाड़ देते थे। ये देखिए इस पिक्चर में दिखाया गया है, वो जगह जगह से जूठन उठा रहे हैं और गांव के बाहर जाके उसे गाड़ देते थे। और उनके बेटों ने जब देखा तो उन्हें बहुत ही अजीब लगा कि हमारे दादा को क्या हो गया है। लोग क्या करते थे फिर, आम खा खा कर गुठलियां फेंक देते थे और उस जूठन को वो साफ करते थे। शायद उनमें समझ आ जाए, यह सोचकर वे चुप रहे। और उनके बेटे जो थे वो चुप रहे, क्यों? क्योंकि ये सोचकर कि शायद जब उन्हें पता लगेगा कि उनके बेटों को ये अच्छा नहीं लगता तो शायद वो टिक जाए। तो फिर पर उनके पिता उस काम से पीछे नहीं हटे, बल्कि वो लगातार वैसे ही वो काम करते जा रहे थे। मतलब गुठलियाँ उठाते और गाँव के बाहर चले जाते, वहाँ पर जाके उनको गाड़ देते। तो जो गाँव वाले थे उनको देख कर हंसते और कहते कि बूढ़े की अकल सठिया गई है, भला ये भी कोई बात है कि सारे गांव की गली गली में घूमते फिरो और कूड़ा करकट इकट्ठा।